गांधी मेमोरियल अस्पताल का होगा जीर्णोद्वार। 8 साल बाद हुई कार्य समिति की बैठक, 5 साल बाद मिला कॉलेज को स्थायी डीन। रीवा के चिकित्सा क्षेत्र में मंगलवार व बुधवार के 25 व 26 सितंबर ऐतिहासिक रहे, जहां एक और 25 सितंबर को मेडिकल कॉलेज को 5 साल बाद स्थायी डीन मिला, वहीं 26 सितंबर को पुराने अस्पताल को नया और भव्य रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरद जैन और उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 20.80 करोड़ की लागत से होने वाले जीर्णोद्वार का भूमि पूजन कर काम की औपचारिक शुरुआत की। माना जा रहा है अगले 6 माह में पुराने अस्पताल की शक्ल व सूरत दोनों बदल जाएगी। वहीं 8 साल बाद मेडिकल कॉलेज की कार्य समिति की बैठक भी हुई। बैठक में अस्पताल में जरूरत की वस्तुएं खरीदने पर निर्णय लिया गया। 8 साल बाद ही सही जनप्रतिनिधियों को रीवा में मेडिकल कॉलेज की याद आई, यही काफ़ी है। इसमें लिए गए निर्णयों का असर कुछ ही समय में यहां पर दिखाई पड़ने लगेगा। वेटिंग हॉल का निर्माण 200 स्क्वायर मीटर में, बहुत सारे लगभग करीब करीब 150 से 200 एडमिशन रहते हैं बाल एवं शिशु रोग विभाग में, उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, उनकी माताएं रहती हैं, उनके परिजन रहते हैं, उनके सुगम उसके लिए वेटिंग हॉल का निर्माण, एक स्वतंत्र मैटरनिटी विंग का निर्माण जिसमें एक वेटिंग लाउंज, ANC वार्ड, एक मॉड्यूलर OT, लेबर रूम, ये सब 800 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में एक मैटरनिटी विंग का निर्माण होगा। अत्याधुनिक नेत्र रोग वार्ड जिसके साथ मॉड्यूलर OT होगी और एक 30-बेडेड अत्याधुनिक वार्ड होगा। मैं बताना चाहूँगा कि मॉड्यूलर OT जो है अभी ऑप्थेल्मोलॉजी में जो प्रस्तावित है इस कार्यकल्प अभियान में, वो समीपस्थ क्षेत्रों में इकलौती मॉड्यूलर OT होगी। यहाँ के गायनी एवं मैटरनिटी विंग का हमारे इनॉग्रेशन हुआ, तब से इस हॉस्पिटल की कोई सुध लेने वाला नहीं था। 2002 तक पूर्वी मध्य प्रदेश का ये अकेला रेफरल सेंटर था, चाहे वो सीधी, सिगरौली, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना, सतना, छतरपुर, यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर और बनारस, इलाहाबाद के भी पेशेंट इस GM हॉस्पिटल में आते थे। MCI इंस्पेक्शन में भी ये हमारा 2002 तक सहयोग देता रहा। अब इसकी रियल बहुत ही जीर्णशीर्ण हालत हो गई थी। माननीय मंत्री जी को मैंने बताया और उन्होंने इसके कायाकल्प का निर्णय लिया, मगर सबसे इसमें पहल जो थी वो हमारे कलेक्टर प्रीति मैथिल ने। हम लोगों को कोई नहीं आइडिया था कि कहाँ से कायाकल्प या कहाँ से सहायता ली जा सकती है। बजट खराब है, OT में काम की जरूरत है, मैटरनिटी विंग जो है उसमें सुविधाओं का अभाव है। लगभग 4 डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग में लगते हैं, ENT लगता है और पीडियाट्रिक और गायनी और आई, 4 डिपार्टमेंट इसमें लगते हैं। बाकी विभाग जो है वो संजय गांधी SGMH में लगते हैं।